الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المخلصين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم محترم علماء کرام مشائخ عظام خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ میلاد کا استقبالیہ منعقد کر رہے ہیں. عظیم الشان جلسہ استقبال ربیع الاول کا منعقد ہو رہا ہے اور اس جلسے کے منتظم حاجی طالب حسین اور ان کے والد گرامی اور ان کے تمام احباب اور پھر تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کی جملہ تنظیمات اور کارکنان اور علاقے کے جملہ علماء دینی مذہبی اور سماجی تنظیمات اور وہ سب عاشقان و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اس عظیم الشان محفل کے انعقاد میں حصہ لیا ہے, شرکت کی ہے, تعاون کیا ہے, سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حضور علیہ السلام کے میلاد کی خوشی منانے کی توفیق عطا کی. آپ نے ابھی محترم علامہ سید محمد سبتین شیرازی صاحب کا خطاب سنا جو بہت بڑے نامور عالم دین ملت جعفریہ کے رہنما اور کتابوں کے مصنف اور عظیم شاعر اہل بیت تھے. آپ ٹیکسلا سے تشریف لائے, میرے ساتھ ایک ملاقات اور میٹنگ کے لیے
इनके साथ कुछ साथी थे, तो मैंने आज इनको रुक जाने की और आज की मिलाद पाक की इस्तकबालिया मजलिस में शरीक होने की दावत। वो शरीक हुए और अपने अजीम शान खिताब से, फिक्र से और उम्मत मुस्लिमा के नाम अपने पैगाम से उन सब को उन्होंने नवाजा। चूंकि आज पहली शब है रबीउल अव्वल, और मैंने ये कहा कि ये जलसा इस्तकबाल रबीउल अव्वल का है। आज से आका अलैहिस्सलाम की मीलाद पाक की खुशियों का महीना शुरू हो रहा है। तो आज की गुफ्तगू मैं इसी तसव्वुर और इसी फलसफे पे करना चाहता हूँ कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मीलाद का जश्न मनाना और आका की विलादत बासआदत की खुशियां मनाना अल्लाह और उसके रसूल और दीन इस्लाम की निगाह में कैसा है, ताकि इस तसव्वुर को सुनकर समझकर दिल में दिमाग में बसाकर फिर आप ये पूरा महीना आका अलैहिस्सलाम के मिलाद की खुशियों में और जश्न के मनाने में यूं मगन रहे कि आप फरजाने नहीं दीवाने नजर, दीवानावार खुशियां मनाएं। इस खुशी से बढ़कर कायनात की कोई और खुशी नहीं है। सारी खुशियां इस खुशी पर कुर्बान मान, और कायनात की सारी खुशियां इस खुशी का तसद्दुक है, सदका। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर, फबिज़ालिक फलयफ़रहू बस इसी अल्लाह के फजल और रहमत पर खुशियां मनाया करो, खुशी मनाओ। इस पर जोर क्यों दिया? जोर यूं दिया कि अल्लाह पाक ने एक और मकाम पर कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल फरहीन, कि अल्लाह ताला खुशियों की खुशियां मनाने और खुशियों की धूमधाम करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान मजीद में इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल फरहीन, ये फरहत से, जो लोग फरहत में खुशी में धूमधाम मचाते हैं अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करता। हुक्म उमूमी ये था, चूंकि खुशियों में धूमधाम करना ये तवाज़ो और इनकिसारी और शान बंदगी के खिलाफ और आजजी इनकिसारी बंदगी, वो शुक्र बजा लाने का तो कहती है, धूमधाम से खुशियां मनाने का बोलिए नहीं कहती। उमूमी हुक्म ये था कि जो लोग बड़ी फरहत करते हैं, खुशियां मनाते हैं, अल्लाह ताला इस अमल को पसंद नहीं फरमाता, वो आजजी को पसंद करता है, इनकिसारी को पसंद करता है, सादगी को पसंद करता है। उमूमी हुक्म ये था, और इधर ये फरमाया, कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल यफ़रहू, फरमा दें कि उमूमी हुक्म तो यही है कि धूमधाम से खुशियां न मनाया करो,
आजिजी से काम लिया करो, मगर जब और जहां अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत नजर आए, अल्लाह का फजल हो और अल्लाह की रहमत हो, तो फरमाया अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत अगर नसीब हो तो ये एक ऐसा इस्तिस्ना है, एग्जेम्पशन है कि फजल इलाही और रहमत इलाही के नसीब होने पर फल यफरहू, उधर मैंने नापसंद किया था और मेरे फजल और मेरी रहमत की अगर आमद हो जाए तो फजल और रहमत इलाही पर मेरा हुक्म है कि खूब खुशियां मनाया करो, खुशियां मनाया करो। तो गोया अल्लाह ताला ने अपने हुक्म में इस्तिस्ना क्रिएट कर दिया, एक्सेप्शन क्रिएट कर दी, इसको कहते हैं एग्जेम्पशन क्लास, एग्जेम्पशन क्लास। खुशियां मनाने का जो अमल है इसको बिलउमूम सराहा नहीं गया था, मगर अल्लाह के फजल और उसकी रहमत का मामला हो तो वहां अल्लाह पाक ने नापसंदीदगी को उठा दिया और अपना हुक्म खड़ा कर दिया, फरमाया जब मेरा फजल नजर आए, मेरी रहमत नजर आए तो फिर जी भर के खुशियां मनाया गया। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और मेरे फजल और रहमत पर खुशियां मनाना, जश्न मनाना, ये जो कुछ तुम जमा करते हो, खा वो माल और दौलत की शक्ल में है, खा वो आमाल की शक्ल में है, जो कुछ जमा करते हो उस जमा करने से बेहतर है कि खुशियां मनाओ। अब जमा करने और खुशियां मनाने का ताल्लुक क्या है? जब फरमाएंगे फल यफरहू, खुशियां मनाओ, तो साफ जाहिर है खुशियां मनाने के लिए कुछ तो करना होगा। खुशियां मनाने के लिए लाइटिंग भी करनी होगी, खुशियां मनाने के लिए कुमकुमे लगाने होंगे, खुशियां मनाने के लिए गुलपाशियां होंगी, खुशियां मनाने के लिए रेड कारपेट बिछेंगे, खुशियां मनाने के लिए जलसे और इज्तिमा होंगे, खुशियां मनाने के लिए आप खाने पकाएंगे, लंगर पकाएंगे, खाने खिलाएंगे। तो खुशियां मनाने और धूमधाम करने के लिए जो कुछ अरेंजमेंट्स, इंतजाम आप करेंगे, साफ जाहिर है उस पर खर्च होगा, ये मुफ्त में तो नहीं होता, तो खर्च होगा। तो इधर खुशियां मनाने के लिए खर्च करना है, उधर माल और दौलत को, आमाल को जमा करना है। तो फरमाया तुम जितना भी जमा कर लो, मगर मेरे फजल और रहमत की पर खुशी मनाने पर जो खर्च होगा वो दुनिया भर का माल और आमाल जमा करने से अफजल हो जाएगा। तो न सिर्फ इजाजत दी अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशी मनाने की, न सिर्फ इजाजत दी बल्कि हुक्म दिया, और न सिर्फ हुक्म दिया बल्कि हुवा खैरुन कहकर उसकी फजीलत करार दे दी कि अफजल अमल है। क्या है? अफजल अमल है। अब अल्लाह का फजल क्या है और अल्लाह की रहमत क्या है? दो चीजें आई तो कुरान मजीद ने फरमाया, फजल अल्लाह का सुन लो, मोमिनों को, सहाबा कराम को, अहले ईमान को खिताब किया और फरमाया लौला फजलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुम अश्शैतान इल्ला क़लीला, लौला फजलुल्लाहि अलैकुम लत्तबअतुम अश्शैतान इल्ला कलीला, अगर तुम पर मेरे महबूब तशरीफ न लाते, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ न लाते तो तुम में से अक्सर लोग शैतान के पैरोकार हो चुके थे और अक्सरियत इंसानियत की शैतान की पैरोकार होती, कुफर में चली जाती, शिर्क में चली जाती,
गुमराही में चली जाती, तबाही में चली जाती। ये हुजूर का, मेरे महबूब का, पैगंबर इस्लाम का तुम्हारे पास मबूस होना है, दुनिया में तशरीफ लाना है कि आपका तशरीफ लाना तुम पर अल्लाह का फजल बन गया और आपकी आमद का सदका है कि तुम में से अक्सर लोग शैतान के पैरोकार होकर गुमराही से बच गए और तुमको हिदायत नसीब हो गई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद को अल्लाह ने अपना फजल करार दिया, अपना फजल। फिर फरमाया, लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज बअस फीहिम रसूला, अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपने महबूब रसूल को भेजा। फिर आका अलैहिस्सलाम के फराइज़ नबुव्वत को बयान फरमाया और आका अलैहिस्सलाम के जरिए जो इंसानों पर इनामात हुए, उनकी इस्लाह के जो रास्ते खुले, उनकी हिदायत, तालीम, तरबियत, तज़किया, तत्हीर, उसके लिए जो रास्ते खोले गए उसका जिक्र फरमाया और आखिर पे फरमाया, इन कानून मिन कब्लो लफी दलाल मुबीन, अगर मेरा ये महबूब ना आता तो तुम लोग तो खुली गुमराही में थे, तुम तो तबाही और बर्बादी में थे, कुफर और शिर्क के अंधेरों में थे, तुम तो दोजख का ईंधन बन चुके थे, जो रह गए बने जा रहे थे, हिदायत से महरूम थे, खुली गुमराही में थे। अरे सोचो, तुम्हें खुली गुमराही से किसने बचाया, आखिरत की तबाही से किसने बचाया? गुमराही और तबाही से बच जाने का सबब मेरे महबूब की आमद और बेसत। लकद मन्नल्लाह, मेरा महबूब आया, मेरे महबूब की बेसत हुई और वादी अरब में मेरे महबूब की विलादत हुई और इसके सदके फिर तुम्हें मेरा कुरान भी मिला, ईमान भी मिला, इस्लाम भी मिला, वो काबा भी मिला जिसको तुम तो बुतखाना बना चुके थे, वो मेरा घर था, वो मेरा मरकज तौहीद था, वहदत कदा था, मगर 360 बुत थे उसमें, तो तुम्हें तो काबे की शनाख्त न थी, तुम्हें तो वहदत कदा की शनाख्त न थी, तौहीद तुम भूल चुके थे, अपने रब और खालिक को तुम भूल चुके थे, ईमान की दौलत से तुम महरूम हो चुके थे, इस्लाम से महरूम हो चुके थे, हिदायत से महरूम हो चुके थे, तुम तो मेरे घर काबे में नंगा तवाफ करते थे, सीटियां बजाते थे, तालियां बजाते थे, बुतों की पूजा करते थे, तुम मेरे खुले दुश्मन बन गए थे, गुमराही में मुब्तला थे, तुम्हें बच जाने की कोई सबील न थी। शुक्र अदा करो कि मेरा मुस्तफा आया, तुम दोस्ती थे, उसकी आमद के सदके जन्नती बन गए। मेरा मुस्तफा आया, तुम गुमराह थे, हिदायत याफ्ता बन गए। मेरा मुस्तफा आया, तुम घटिया थे, आला बन गए। तुम गिरे पड़े थे, मेरे मुस्तफा ने संभाल के तुम्हें उठा दिया। तुम दोजख के किनारे पर खड़े थे, मुस्तफा ने खींच कर तुम्हें जन्नत की राह पर डाल दिया। तुम अंधेरों में भटक रहे थे, मुस्तफा ने तुम्हें रोशनियों पर डाल दिया। तो अल्लाह का एहसान है तुम पर मेरे महबूब का आना, अगर ये ना आते तो फरमाया तुम तो खुली गुमराही में थे, तुम तो खुली बोलिए गुमराही में थे, इन कानू मिन कब्लु लफी दलाल मुबीन। अब एक नुक्ता यहां समझा दो, मकसूद क्या था अल्लाह को कि तुम गुमराही से बचो, गुमराही से, और तुम्हें हिदायत मिले। अगर वो चाहता गुमराही से बचाना, हिदायत देना, बराह रास्त देना, तो पैगंबर को भेजे बगैर भी अगर वो चाहे तो हिदायत दे सकता था या नहीं? अल्लाह के ऊपर कोई पाबंदी है, कोई जबर है? बोलिए, उसके बंदे हैं गुमराह हो रहे हैं, दोजख की तरफ जा रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। अगर वो चाहे कि मैं इन्हें हिदायत दूं,
तो उसके ऊपर किसी का ये कानून नाफिज है कि हिदायत देने के लिए वो पहले पैगंबर को भेजे और पैगंबर को हिदायत का वास्ता बनाए, कोई पाबंदी है उस पर? वो डायरेक्ट हिदायत कर दे लोगों को, बराह रास्त लोगों के जहनों में ये शऊर पैदा कर दे कि ये रास्ता गलत है, ये सही है, अज खुद लोगों के दिलो दिमाग में ये हिदायत उतार दे, उनको ये समझ दे दे कि इस तरफ जाना है, शिर्क छोड़ना है, तौहीद की तरफ जाना है। अगर वो चाहे तो बराह रास्त इंसानों को ये शऊर, ये हिदायत, ये फहम, ये सूझ बूझ, ये बसीरत अता कर सकता है या नहीं? बोलिए, कर सकता है ना, कर सकता है। तो एक बात बता दें, जो बराह रास्त ये शऊर, ये बसीरत, ये हिदायत अता कर सकता है, उसने हजारों लाखों बरस में कभी इंसानियत को पैगंबरों के वास्ते के बगैर किसी को हिदायत अता की है? बताइए, कभी की? कोई हिदायत याफ्ता उम्मत, और हिदायत याफ्ता तबका ऐसा बता दे जिसको अल्लाह ने नबी के वास्ते के बगैर हिदायत याफ्ता कर दिया। एक बता, आदम अलैहि सलाम से लेकर आज तक, तो फिर सुन्नत इलाहिया क्या हुआ? वो हिदायत बिला वास्ता दे सकता है मगर देता नहीं है। जिसे हिदायत देना चाहता है उसके लिए रसूल को वसीला बनाता, और जिसके लिए रसूल को वसीला नहीं बनाता उसे हिदायत नहीं, गुमराही पर रखता। सो जो जिसके लिए रसूल वसीला बन गया वो हिदायत याफ्ता हो गया, और जिसके लिए इसने रसूल को वसीला न बनाया, इन कानून मिन कब्लु लफी दलाल मुबीन, वो गुमराही में पड़ गया। तो फरमाया, लोगों हिदायत तो मेरी है मगर चूंकि तुम्हें मिली, मैंने अता की है रसूल के वास्ते से, इसलिए रसूल तुम पर मेरा फजल भी है, मेरी रहमत भी है, मेरा फजल भी है और मेरी रहमत भी है। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग पूछते हैं कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप क्या हैं, क्या बनकर आए हैं, हमारे लिए आपकी हैसियत क्या है? तो फरमा दे, मेरे महबूब, मेरा ऐलान है, सबको बता दो भाई, मैं अल्लाह की तरफ से सारी कायनात के लिए फकत रहमत ही रहमत बनकर आया, हरेक के लिए रहमत, हरेक के लिए रहमत। तो आका अलैहिस्सलाम का अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत होना सब मखलूकात के लिए आम हो गया। अब इसमें कोई शक रहा है किसी को कि हुजूर अल्लाह का फजल है, ये हुजूर की विलादत इंसानियत पर अल्लाह का फजल है, कोई शक है इसमें? कोई शक है कि हुजूर की तशरीफ आवरी इंसानियत पर अल्लाह की रहमत है? कोई शक नहीं है। तो आका अलैहिस्सलाम की विलादत, आका अलैहिस्सलाम की बेसत, दुनिया में तशरीफ आवरी, अल्लाह का सबसे बड़ा फजल भी यही है और अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत भी यही है। जब अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत, हुजूर की आमद हुई, तो अल्लाह का फरमान है, जहां मेरा फजल और रहमत हो खुशियां मनाया। हुजूर की आमद, विलादत, अल्लाह का फजल भी हुई, अल्लाह की रहमत भी हुई। तो मतलब यह हुआ कि चूंकि हुजूर की विलादत अल्लाह का फजल भी है तुम पर, हुजूर की विलादत अल्लाह की रहमत भी है तुम पर, लिहाजा आम खुशियों की धूमधाम पसंद नहीं, मगर मेरे मुस्तफा के मीलाद और विलादत का महीना आए तो फिर पाबंदी खत्म, जी भर के खुशियां मनाया करो, धूमधाम किया करो, जश्न मनाया। अब यहां मुफस्सरीन ने कुरान मजीद का नुजूल भी इससे मुराद लिया, वो भी अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत। फिर शबे कदर भी मिली है, वो भी अल्लाह का फजल अल्लाह की रहमत है, जिसमें कुरान आया,
अब सोचने की बात यह है, ये तवज्जो तलब बात है कि कुरान उतरा तो कुरान का उतरना तो अल्लाह का फजल और रहमत हो, तो जश्न नुज़ूल कुरान तो मनाया जाए, मगर हुजूर न आते तो कुरान आता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बता दे क्या कुरान हुजूर के वास्ते के बगैर अज खुद आया? कुरान आप पर तो नहीं उतरा, कुरान किसी मौलवी पर तो नहीं उतरा, कुरान किसी मुफ्ती पर तो नहीं उतरा, कुरान किसी खप डालने डालने वाले फतवाबाज पे तो नहीं उतरा। हमने तो आज तक कुरान को उतरता ही नहीं देखा, न जिब्राइल को देखा, न कुरान लाते किसी को देखा, न उतारते देखा, न सुनाते देखा। उसने भेजा, जिब्राइल अमीन लाए और आका अलैहि सलाम पे उतरा। हमें तो हम तो कुरान को फकत इस तरह जानते हैं कि हमें मुस्तफा ने दिया। मेरी बात आप समझे, हम तो कुरान को इतना जानते हैं कि हमें मुस्तफा ने दिया और फरमाया ये कुरान है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमें तो मुस्तफा ने फरमाया ये काबा है, इधर मुंह करके नमाज पढ़ा करो। खुदा की इज्जत की कसम, वो काबा मक्का का घर है ना, फरमाया ये काबा इधर मुंह करके नमाज पढ़ा करो। मेरे मुस्तफा फरमा देते इधर शिमाल की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो, हमारी नमाजों का किबला शिमाल हो जाता। फरमाते जनूब की तरफ पढ़ा करो, हम जनूब को काबा बना लेते। जिस तरफ वो नजर नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। काबा बनता है उस तरफ ही रियाज, रुख जिधर को वो मोड़ लेते थे। आका अलैहि सलाम की आमद से पहले सदियों से बल्कि हजारों सालों से ईमान वाले बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। आका अलैहि सलाम की ख्वाहिश हुई, अल्लाह ने प्यार फरमा दिया और हुजूर की ख्वाहिश और आपकी तलब पर अल्लाह ने काबा बदल दिया और फरमाया महबूब फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, जिधर तू राजी है हम उधर ही काबे को फेर देंगे। फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, तरदाहा तरदा फेल है, तरदा में फेल और फाइल है, हा की जमीर क़िबलतन की तरफ है, वो मफ़ऊल है। फरमाया महबूब हम तुम उधर ही फेर देंगे तुम्हें उसी किबले की तरफ। कौन सा? अल्लाह पाक ने क्या ये फरमाया जो मैंने पसंद कर लिया है उधर ही फेर देंगे? बोलिए, नहीं फरमाया। महबूब हम उसी किबले की तरफ आपको फेर देते हैं जो मुझे पसंद है, ये फरमाया। उसी किबले की तरफ फेर देते हैं जिस पर मैं राजी हो गया हूँ, ये फरमाया। बोलिए भाई, नहीं फरमाया। क्या ये फरमाया उस किबले की तरफ फेर देते हैं जिसका दर्जा ज्यादा है, उस किबले की तरफ फेर देते हैं जो इब्राहिम ने बनाया, जो इस्माइल ने बनाया? कुछ नहीं फरमाया। सादा सी एक बात की, कहा फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन, हम यकीनन महबूब आपको उसी किबले की तरफ फेर देंगे। कौन सा किबला? तरदाहा, सुनया जिस से तू राजी है, जड़ा तेनू पसंद है, सुने जड़ा तेनू पसंद है, जिस ते तू तरदाहा, इसका तर्जमा है सुने जिस ते तू राजी है। तर्जमा कर रहा हूं, तफसीर और शरा नहीं कर रहा। अगर इसकी शरा कर दूं तरदाहा की तो पता नहीं फिर क्या का क्या नए मजमून खुल जाए। मैं सिर्फ तर्जमा कर रहा हूं, सुने जिस ते तू राजी है, जिस पर आप राजी हैं उसी को किबला बना देते हैं। हमारा क्या है? हमारी इबादत
कोई किबले की मोहताज थोड़ी है, तो किबले भी आपकी रजा के लिए हैं, किबले भी आपकी रजा के लिए हैं, काबा भी आपकी रजा के लिए है, महबूब सिमतें भी तेरी हैं, जिहतें भी तेरी हैं। लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, मेरे लिए तो मशरिक भी बराबर है, मगरिब भी बराबर है, मुझे क्या पड़ी कि एक सिमत को काबे की बनाऊं और दूसरी को ना बनाऊं, एक को झटक दूं, एक को अपना लूं, मुझे क्या पड़ी, मेरे लिए तो सारी सिमतें बराबर हैं। महबूब जिस तरफ तेरा रुख हो तू राजी हो, उसी को किबला बना दे। नेमत हुई ना, तो हमें तो हुजूर ने दे दिया ये काबा है, हमने उसको काबा बना लिया। हुजूर ने फरमा दिया ये सारा नमाज है। सहाबाए इकराम ने पूछा कि नमाज या रसूलल्लाह कैसे पढ़ा करें? नमाज पूरा कुरान उठा ले अलहम से बन्नास तक, नमाज पढ़ने का तरीका पूरे कुरान में कहीं दर्ज नहीं। कुरान ही किताब है ना जो अल्लाह ने उतारी, बोलिए कोई और किताब तो अल्लाह ने नहीं उतारी। जो किताब अल्लाह ने उतारी उसने अपनी किताब में अपनी नमाज का तरीका ही बयान नहीं किया। लो छुट्टी कर लो, मौज कर लो, पढ़ लो नमाज। उसने अपनी नमाज का तरीका ही अपनी किताब में बयान नहीं किया। तो सहाबा कराम ने पूछा आका कुरान में तो तरीका ही नहीं लिखा हुआ, कितनी रकतें करनी है, कहां तक हाथ उठाने हैं, कहां बांधने हैं या कहां नहीं बांधने, छोड़ने हैं, रुकू करने हैं, सुजूद करने हैं, कितनी बार करने हैं, बैठना है नहीं बैठना, खड़े होना है, चलते फिरते पढ़नी है, सलाम फेरना है, तकदीर करनी है, उसके अंदर क्या पढ़ना है, कुरान में तो कुछ दर्ज ही नहीं है, तो अब नमाज कैसे पढ़े? फरमा दिया पढ़ा करो, फरमा दिया नमाज पढ़ा करो, तो कैसे पढ़े? मैं एक ही मिसाल दे रहा हूं। आका अलैहि सलाम ने फरमाया इधर आओ, बुला लिया, फरमाया सल्लू, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ा करो। आका ये तो बात समझ में आ गई कि नमाज पढ़ा करें, पर सवाल है कैसे पढ़े, तरीका तो है ही नहीं कुरान में। फरमाया आओ मुझे देखो, कमा रही तो मुंह नहीं उसली, जैसे मैं करता हूं तुम भी ऐसे ही किया करो, बस ये नमाज। मुझे देखो जैसे मैं करता जाऊं तुम भी ऐसे ही करता करते जाओ, मेरी अदाओं की तरतीब याद कर लो, यही नमाज। यही नमाज है। तो हुजूर ने फरमाया आमाल करके खड़े हुए, फिर झुक गए, फिर सजदे में गए, फिर बैठ गए, ये सारा कुछ करके फरमाया ये नमाज है, हमने तो इसी को नमाज मान लिया। अगर मौलवी साहब के पास इसके अलावा कोई और तरीका दर्ज है तो वो भी ले आए कुरान में, हमें तो कुछ नहीं मिला और कुरान में। हुजूर ने जैसा किया फरमाया ये नमाज है, बस हमने नमाज मान ली। तो जो बात समझने वाली है वो ये कि हमें तो जो कुछ मिला आका अलैहि सलाम के सदके से मिला, तो कुरान भी हुजूर के जरिए से मिला, तो वो जो हुजूर के जरिए से मिला उसके उतरने पर तो फजल और रहमत हो, और जिसके जरिए से मिला उसकी आमद की रात फजल और रहमत की रात। ये कैसे हो गया? जो उस नेमत का सबब है वो सबसे बड़ी नेमत है। तो हुजूर अलैहि सलाम की आदमत कुरान की नेमत का सबब है, तो लिहाजा उसकी खुशी कुरान की आमद की खुशी से बड़ी खुशी हुई। इसी तरह शबे कद्र है, फरमाया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये वो रात है हजार महीनों से अफजल है, हजार महीनों से अफजल है। इसमें क्या ततनज्जलुल मलाइकतु वर्रूहु फिया, इसमें फरिश्ते उतरते हैं, तो जिस रात में फरिश्ते उतरे वो हजार महीनों से अफजल, और जिस रात में मुस्तफा उतरे। और फरिश्तों की फजीलत ये है
कि 70,000 फरिश्ते सुबह उतरते हैं, मज़ारे मुस्तफ़ा का तवाफ करते हैं और सलाम नियाज अर्ज करते हैं। 70,000 फरिश्ते शाम को उतरते हैं हुजूर के मज़ार अकदस की ज़ियारत और सलाम के लिए, और क़यामत तक 1,40,000 फरिश्ते यौमिया उतरते रहेंगे, जिनकी बारी एक बार आती है, दोबारा नहीं आएगी। ये है फरिश्तों का उतरना। वो तो दरबार मुस्तफ़ा के झाड़ू बरदार हैं, फरिश्ते दरबार मुस्तफ़ा के झाड़ू बरदार हैं। अरे झाड़ू बरदार उतरे तो रात 1,000 महीनों से अफजल हो जाए, और सरकार सारी कायनात की उतरे तो उसकी फजीलत ना हो, उसकी खुशियां ना हो, उसका जश्न ना हो। आका अलैहिस्सलाम की आमद की रात, आमद का दिन, आमद का महीना, करोड़ों महीने, अरबों महीने इस माह मीलाद पर कुर्बान। और फिर बड़ी जो खास बात है वो ये कि ये जो फजीलत शब कद्र की है, ये अहले ईमान के लिए है। क्या तो इसकी 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 खैर किसको मिलती है? अहले ईमान को फकत, बाकी इंसानियत महरूम है। मगर मुस्तफा की आमद फकत अहले ईमान के लिए नहीं, मोमिन और काफिर सारी कायनात इंसानी सबके लिए। वरहमतुन लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए रहमत है। तो आका अलैहिस्सलाम की विलादत और आपके मिलाद और आमद की जो खुशी है, जो जश्न है, जिसका समा आज से शुरू हो रहा है, वो आला ईमान को हासिल करने का जरिया है। ईमान की आला मंजिलों तक पहुंचने का जरिया। अब जो बात इसमें खास तवज्जो तलब वो ये कि चूंकि इसकी फजीलत है, इसकी फजीलत है, और आका अलैहिस्सलाम की निस्बत से ये करम, ये लुत्फ, ये अल्लाह का फजल, ये रहमत हर एक को बिला इस्तिस्ना होती है। नबी की विलादत का जो दिन होता है, नबी की विलादत का दिन जिसको आप बर्थडे कहते हैं, वो योम मीलाद है, योम मौलूद है, योम विलादत। अल्लाह की बारगाह से भी खास सलाम के तोहफे उतरते हैं। सैयदना यहिया अलैहिस्सलाम के लिए कुरान मजीद में फरमाया, सलामुन अलैहि यौम वुलिदा, जिस दिन यहिया अलैहिस्सलाम का मीलाद हुआ, विलादत हुई, फरमाया उस दिन उस पर खास सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया, सलामुन अलैया यौम वुलिदतु, जिस दिन मेरी विलादत हुई, मेरा मीलाद हुआ, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत यसू मसीह अलैहिस्सलाम, जिस दिन मेरी विलादत हुई, उस दिन अल्लाह का खास सलाम उतरा। आप भी मिलाद के दिन बतौर खास अमल मिलाद का क्या होता है कि हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं, खास अमल है ना ये, जो माह मिलाद में सलाम की महफिलें सजाते हैं, ये खास सलाम की महफिलें सजाना ये सुन्नत इलाहिया। मिलाद पैगंबर के दिन अल्लाह पाक खास सलाम करता है, सलाम अलैहि यौम वुलिदा और सलाम अलैहि यौम वुलिदतु। अब आप कहेंगे सलात व सलाम अल्लाह पढ़ता है और पैगंबर पे पढ़ता है, तो आप सोचेंगे क्या हमको भी हिस्सा मिलता है उसमें से? जब अल्लाह पाक ने यह आयत उतारी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात पढ़ते हैं, जब आयत उतरी तो सहाबा कराम खुश भी हुए, और आका अलैहि सलाम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका तरीका है कि अल्लाह की जो नेमत आपको अता होती है उसका हिस्सा उम्मत को भी देते हैं।
अब ये खास नेमत आपको अता हुई है कि अल्लाह और उसके सब फरिश्ते आप पर सलात पढ़ रहे हैं, आप पर सलात पढ़ रहे हैं। तो आका क्या इस सलात की नेमत का हिस्सा भी गुलामों को मिलेगा? तो फौरी आयत करीमा उतरी और कहा युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। फरमाया इनको खुशखबरी सुना दो, हाँ जो मेरे महबूब की गुलामी में आ जाएगा, महबूब पर मैं और मेरे फरिश्ते सलात पढ़ते हैं, और जो मेरे महबूब का हो जाएगा उस पर भी मैं भी सलात पढ़ूंगा, मेरे फरिश्ते भी सलात पढ़ेंगे। अब ये सलात हुजूर पर भी पढ़ा जाता है, हुजूर के गुलामों पर भी पढ़ा जाता है। सल्ली अलैकुम व मलाइकतु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। आका आप पर तो अल्लाह ताला सलात भी पढ़ता है और सलाम भी पढ़ता है, सलात भी पढ़ता है और बोलिए ना सलाम भी पढ़ता है, और तूने हमें हुक्म भी दिया सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा, मेरे महबूब पर सलात भी पढ़ा करो और सलाम भी पढ़ा करो। तो बारी ताला सलात की जो नेमत, दरूद की जो नेमत मुस्तफा पे उतरी उसका हिस्सा तो तूने गुलामों को दे दिया, मगर जो तू सलाम पढ़ता है मुस्तफा पर उस सलाम का हिस्सा भी गुलामों को नसीब होगा या नहीं? नहीं। तो इसी के आगे फरमा दिया मेरे महबूब, मैं और मेरे फरिश्ते महबूब पर और महबूब के गुलामों पर सलात भी पढ़ते हैं, तुम मेरे महबूब की गुलामी में आ जाओ और मैं सलाम का हिस्सा भी देता हूँ। फरमाया व तहियतहुम यौम यलकौनहु सलाम, और इस दुनिया में मेरे महबूब की गुलामी के नतीजे में तुम पर सलात उतरेगी, और जो मेरे महबूब की गुलामी में मर गया वो जब उसकी रूह आएगी कयामत के दिन मैं और मेरे फरिश्ते उसके ऊपर सलाम करेंगे। तो गोया वो सलात और सलाम जो आका अलैहि सलाम के ऊपर हर लम्हे उतरता है और यौम विलादत बतौर खास उतरता है, जो उम्मती हुजूर पर सलात और सलाम के अमल में शामिल हो जाएगा अल्लाह उस पर भी अपने और अपने मलाइका के सलात का हिस्सा देगा, जो उम्मती हुजूर के सलाम की महफिलें सजाएगा अल्लाह उस पर और उसके फरिश्ते भी उस पर सलाम करेंगे। सलाम, जब तुम आओगे मेरे पास तो मैं सलाम पढ़ पढ़ के तुम्हें तोहफे दूंगा। और फरमाया सलामुन लका मिन असहाबिल यमीन, तुम मेरे महबूब की गुलामी का पटा तो गले में डाल के देखो, क़यामत के दिन जब तुम कमरों से उठोगे और आगे आओगे ऐ अहले यमीन अल्लाह खुद तुम पर सलाम पढ़ रहा होगा। तो हुजूर पर सलाम पढ़ने का अजर ये है कि खुदा तुम पर सलाम पढ़ेगा। हुजूर पर सलाम पढ़ने का अजर क्या है कि खुदा तुम पर सलाम पढ़ेगा। तो इतनी बड़ी नेमत आका अलैहि सलाम के जरिए तो उम्मत को गोया, चूंकि यौम विलादत मैंने आयत पढ़ी कि मीलाद के दिन खुसूसी सलात व सलाम उतरता है, वरना तो हर लम्हे होता है, उस खुसूसी सलात व सलाम में उम्मत को शरीक किया जाता है। तो उम्मत वही शरीक होगी ना जो सलात व सलाम की धूम मचाएगी। अगर आप सलात व सलाम की महफिल नहीं सजाएंगे तो अल्लाह आप पर सलात क्यों भेजेगा और अल्लाह आपको सलाम क्यों करेगा? तो आया इधर आपने हुजूर पर सलाम पढ़ा, उधर खुदा ने आप पर सलाम पढ़ा, तो सलाम का बदला सलाम और सलात का बदला सलात। सलात का बदला सलात। दो सलाते हैं, एक सलात लिल्लाह, एक सलात लिर्रसूल, एक अल्लाह के लिए सलात है वो नमाज, अल्लाह के लिए सलात वो क्या है नमाज, रसूल के लिए सलात वो है दरूद पाक सलात व सलाम। अल्लाह के लिए सलात पढ़ो नमाज पढ़ो तो वो आपके लिए नमाज नहीं पढ़ता,
अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो तो जवाब में आप पर नमाज नहीं पढ़ता। और ये भी कोई शर्त नहीं है कि आपने नमाज पढ़ दी उसकी मर्जी कबूल करे न करे। पूरे कुरान में अलहम से बन्नास तक कहीं वादा नहीं कि जो नमाज पढ़े वो कबूल होगी, जो नमाज पढ़े वो कबूल होगी, कहीं वादा नहीं है खुदा का। मैं जमानत के साथ कह रहा हूं, कैटेगोरिकली कह रहा हूं, उसकी मर्जी कबूल कर ले, मर्जी कबूल। और कुरान कहता है सूरह अल माउन को पढ़ो, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीनहुम अन सलातिहिम साहून, फरमाया ऐसे नमाज पढ़ने वाले भी हैं जिनको दोजख के सबसे गहरे दर्जे में फेंका जाएगा। नमाज भी पढ़ी और दोजख में भी गए, तो कोई गारंटी नहीं। तो नमाज को कबूलियत के काबिल बनाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। नीयत अच्छी हो, इखलास हो, रिया ना हो, बंदा और गुनाह न करे, जुल्म न करे, शिर्क न करे, कुफर न करे, तो ये सारी हीले कोशिशें मेहनतें करें तो फिर नमाज की कबूलियत की उम्मीद लगती है। ये है वो सलात जो अल्लाह के लिए, ये है वो सलात जो अल्लाह के लिए है कि मर्जी कबूल करे मर्जी कबूल न करे। और अगर उसकी मोहब्बतों का आलम देखो, अपने लिए जो सलात है उसकी कबूलियत की जमानत नहीं दी, और जो मुस्तफा के लिए सलात है फरमाया मेरे बंदे तू मेरे मुस्तफा पर लब खोल और सलात पर मेरी रहमत पर सलात करेगी, जमानत दे दी, उसकी कबूलियत की गारंटी है। जो शख्स हुजूर पर दरूद पढ़े, नेक हो या बदकार, सुन ले मेरी बात, नेक हो या बदकार, मोमिन साले हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो या फासिक फाजिर, चोर हो, डाकू हो, नेक हो, तहज्जुद गुजार हो, जैसा भी हो, क्या जैसा भी हो, जैसा मुसलमान जो हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़े वो कभी रद्द होता ही नहीं। ये जो गारंटी हुजूर पर दरूद व सलाम की है, ये गारंटी रूए जमीन पर कोई नहीं दे सकता। ये गारंटी न नमाज के लिए है, न रोजे के लिए है, न हज के लिए है, न ज़कात के लिए, किसी इबादत के लिए गारंटी नहीं, किसी इबादत के लिए गारंटी नहीं। आप कर ले उसकी मर्जी, कयामत के दिन पता चलेगा कि नामा अमाल में अगर उसने कबूल कर ली तो शामिल हो जाएंगी, नहीं की तो फेंक दी जाएंगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कम मिन साइमिन लैस लहु इल्ला अल्जू वल अच, फरमाया कितने रोजेदार ऐसे हैं जिनको भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। रोजा रखा मालूम नहीं वो कबूल करे न करे, हज किया मालूम नहीं कबूल करे न करे, ज़कात दी मालूम नहीं कबूल करे न करे, जिहाद किया मालूम नहीं कबूल करे न करे। हदीस पाक में नमाजी खड़े होंगे, हमने नमाजें पढ़ी, बारी ताला फरमाएगा को मेरे लिए पढ़ी, लोगों को दिखाने के लिए पढ़ी। कई जिहाद करने वाले खड़े होंगे गाजी, बारी ताला हमने जिहाद किया, हदीस पाक अल्लाह पाक फरमाएगा को मेरे लिए किया, लोगों को धोखा देते थे मुझे तो नहीं दे सकते ना, मैं तुम्हारे दिलों को जानता हूँ, गाजी कहलाने के लिए जिहाद किया। सखी खड़े होंगे, बारी ताला हमने गरीबों पर हमने खर्च किया, वो कहेगा कि मुझसे तो नहीं धोखाबाजी कर सकते, जो खर्च किया सखी कहलाने के लिए किया ताकि लोग एहसान मंद रहें, को मेरे लिए थोड़ा किया। वो हर अमल की हकीकत को जानने वाला है, हर अमल की कबूलियत की शर्त जुदा है, कबूलियत की जमानत किसी इबादत के लिए नहीं दी गई। एक सिर्फ एक इबादत के लिए दी गई, वो हुजूर पर सलात और सलाम, जो सलात व सलाम पढ़े हुजूर पर वो कभी रद्द होती ही नहीं है, वो कभी रद्द होती ही नहीं है। और फिर ये मिलाद के साथ एक अमल है, यौम वुलिदा, सलात व सलाम का अमल यौम मिलाद पैगंबर के साथ,
और फिर आप देखें नमाज जब आप पढ़ते तो नमाज नाम है हर मखलूक से अपने आप को काट लेने का और अपना ध्यान अपना जिक्र अपना ज्ञान अपना कलाम अपना चेहरा अपनी तवज्जो हर शय अल्लाह की तरफ कर लेने का। आके में सलात अले जिक्री मेरी बात करने के लिए नमाज पढ़ो। नमाज का मतलब है सिर्फ मेरी बात करो किसी और की बात ले जिक्री सिर्फ मेरी याद करो मेरी बात करो मेरा नाम जपो किसी और की बात न करो। ये नमाज की शर्त है। बोलिए ये नमाज की शर्त है। आप नमाज पढ़ रहे थे ऊपर से आपके पीर साहब आ गए आपके पीर साहब आ गए उन्होंने आके कहा सलाम अलैकुम और आपने कहा पीर साहब आए हैं लिहाजा सलाम का जवाब तो दूं। आपने कहा वालेकुम सलाम आहिस्ता से आपकी नमाज रह गई। क्या कोई पीर उसको सलाम का जवाब दे तो नमाज नहीं बचा सकता। बड़े मौलवी साहब आ गए कहा अस्सलाम वालेकुम आपने कहा मौलाना साहब वालेकुम सलाम। अब मौलाना साहब जो चाहे कर ले नमाज गई नहीं बचा सकता। मेरी बात समझ आई। और कोई बड़ा आदमी आ जाए और आप सलाम उस पर कर लें अस्सलाम वालेकुम तब भी नमाज गई। सलाम कर दे तब भी नमाज गई। सलाम का जवाब दे दे तब भी नमाज गई। क्यों क्यों अल्लाह फरमाता है ये नमाज सिर्फ मुझसे बात करने का नाम है। दरमियान में किसी और को डालना नमाज तोड़ देता है। सिर्फ मेरी बात करो मेरी बात करो मेरा नाम जपो मेरा जिक्र करो मेरा कलाम पढ़ो मेरा ध्यान करो बस इसका नाम नमाज है। आके सलात अले जिक्र तो तुमने नमाज में किसी और को सलाम कर दिया तो गैर को दाखिल कर लिया किसी के सलाम का जवाब दे दिया। बोलिए तो गैर को दाखिल कर लिया तो नमाज में गैर दाखिल हो जाए तो नमाज नहीं रहती। तो गोया नमाज में से हर गैर को निकाल दिया। अब आपने कयाम किया कुरान पढ़ा रुकू किया कौमा किया सुजूद किया सारी नमाज की रकतें मुकम्मल करके तशहुद पे बैठ गए इस आस उम्मीद पर कि ये मैंने जमीन पर माथा भी टेका तस्बीह भी की अल्लाह अल्लाह भी किया कुरान भी पढ़ा जतन भी किए कपड़े भी पाक पहने वुजू भी करके आया था वक्त भी निकाला दुकान भी छोड़ी मुसल्ले पर खड़ा हुआ सारा कुछ किया अब कबूल हो जाए अल्लाह करे मेरी नमाज कबूल हो जाए। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे बंदे अगर फिर नमाज मेरी कबूल करवानी है तो आ एक बहाना तुझे दे देता हूँ। वो क्या फरमाया मेरी नमाज में किसी और को सलाम कर दिया तब भी नमाज गई किसी के सलाम का जवाब दे दिया तब भी नमाज गई। वो नमाज जो किसी गैर का दखल गवारा नहीं करती उस नमाज को पढ़ने के वक्त में जब हाथ रानों पर रखकर नमाज के रुकू और सुजूद खत्म करके मेरी दहलीज पर सायल बन के बैठा अब यहाँ नमाज की कबूलियत के लिए आ मेरे मुस्तफा पे सलाम पढ़ मेरे मुस्तफा पे और कह नमाज मेरी है और कह या नबी सलाम अलैका السلام عليك ايها النبي يا رسول الله يا نبي الله اے نبی پاک آپ پر سلام ہو۔ باری تعالی نماز سارا دھیان تیری طرف تھا یہاں لا کے تو نے محبوب پہ سلام کروا دیا دھیان ادھر موڑ دیا خود تو غیر سے روکا تھا کہ نماز میری میں غیر کی طرف دھیان نہ کرو تو باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی مسئلہ تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں مصطفیٰ غیر ہوتا تو نماز میں سلام کیوں کرواتا۔ غیر ہوتا میرا محبوب تو مصطفیٰ پر سلام نہ کرواتا۔ یہ جو سلام کروایا ہے مصطفیٰ کو تو دھیان ادھر کیا ہے یہ نماز میں میں نے ادھر اور ادھر کے فرق مٹا دیا کہ عبادت میری ہے سلام مصطفیٰ۔
عبادت میری ہے، سلام مصطفیٰ پر ہے، تو پڑھ لیا، پڑھ لیا سلام، آگے چل پڑے۔ اس نے کہا یہ جو میرے محبوب پہ سلام پڑھا اس لیے کہ تمہاری نماز قبول ہو، اس لیے کہ تمہاری نماز قبول ہو۔ اب ایک اور شرط بھی رہ گئی کہ میرے محبوب پر پڑا ہوا سلام تب کامل سلام ہوگا کہ آگے چل کے میرے محبوب کی آل پر بھی صلاۃ۔ جب آگے بڑھے تو کہا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، باری تعالی حضور پر بھی صلاۃ بھیج اور حضور کی آل پر بھی صلاۃ بھیج۔ تو حضور کی آل کا ذکر کرا کے صلاۃ پڑھا تب بھی نماز نہ ٹوٹی۔ اس کا مطلب ہے صلاۃ بر آل محمد بھی غیر نہیں ہے، حضور کی آل وہ مصطفیٰ کی عین ہے اور مصطفیٰ کا سلام یہ خدا کی عبادت۔ حضور کا میلاد مناتے ہیں، امت کو کیا ملتا ہے آقا کی اس نسبت اور ولادت کی خوشی منانے سے؟ تو آقا علیہ السلام کی نسبت امت کو دوزخ سے بچاتی ہے۔ کم سے کم علل اقل، تو اس کے اوپر تو پھر حدیں نہیں، وہ موضوع ہی الگ ہو جاتا ہے اگر میں اس مضمون پہ چل نکلوں۔ امام قسطلانی المواہب اللدنیا میں، بلکہ اس سے قبل امام زرقانی نے اور امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا کہ صحابہ کرام کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کھانے کی دعوت دی، کھانے کی دعوت دی، وہ کھانے کے لیے آ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو آپ نے خادمہ سے فرمایا کہ دسترخوان بچھا دو، دسترخوان بچھ گیا، برتن لگ گئے۔ اس کے بعد جب کھانا لگ گیا تو آپ نے فرمایا وہ ایک رومال، رومال لاؤ۔ خادمہ رومال لائی، وہ میلا تھا، وہ میلا تھا، ساتھ تنور تھا، اس میں آگ جل رہی تھی، روٹیاں پک رہی ہوں گی۔ تو فرمایا جی تنور جل رہا ہے، لے کر صحابہ کرام کے سامنے رومال کو اس تنور کی آگ میں ڈال دیا، تنور کی جلتی ہوئی آگ میں رومال ڈال دیا۔ صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ کیسا رومال ہے، وہ سمجھی عجیب بات ہے اب جل جائے گا، معلوم نہیں ایسا کیوں کیا۔ جب آگ میں خوب ڈالے رکھا اور نکالا تو وہ بالکل دھل کر سفید ہو گیا تھا، جیسے دھوبی پانی میں دھو دیتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، آگ نے اس رومال کو جلایا کیوں نہیں؟ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ آقا علیہ السلام کا رومال ہے، یہ رومال ہے، آقا علیہ السلام نے اس سے چہرہ مبارک پوچھا تھا، یہ رومال آقا کے چہرہ مبارک پہ لگا تھا، آپ نے پوچھا تھا، خوش کیا تھا اس سے چہرہ پاک۔ تو جس رومال کو چہرہ پاک کی نسبت لگی اسے آگ جلا نہیں سکتی، آگ جلا نہیں سکتی، یعنی آگ کا جلانا آگ کی تاثیر ہے، آگ کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس رومال کی نسبت چہرہ مصطفیٰ سے تھی، آگ کی فطرت بدل دی، اس کی تاثیر بدل دی۔ آگ کیا لگے کہ نہ جلائے کپڑے کو، مگر اب نہیں جلا رہی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جیسے آگ میں نمرود نے ڈالا، یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، وہ باغ بن گئی، ٹھنڈک ہو گئی۔ تو وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھا، یہاں ایک کپڑا ہے آقا کے چہرہ پاک سے لگا ہے، آگ نہیں جلا سکتی اس نسبت سے۔ اور جس امتی کی نسبت محبت آقا علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے اسے آگ کیوں جلائے گی، کیسے جلائے گی؟ آگ کی ہمت ہے جلا دے۔ اب امام قسطلانی نے المواہب اللدنیا میں دوسری بیان کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے
کہ وہ اپنے اعمال کے باعث دوزخ کے حقدار ہوں گے, دوزخ کے حقدار ہوں گے. تو دوزخ میں اللہ پاک ان کو ڈالنا چاہے گا, تو دوزخ میں ڈالنے کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں حضور علیہ السلام کا اسم پاک بلا دے گا. آقا علیہ السلام کا اسم پاک بھول جائیں گے, بلا دیا جائے گا. جب اسم محمد بھول جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. اور پھر جب انہیں دوزخ سے نکالنے کا وقت آئے گا, اپنا ٹینیور پنشمنٹ کا پیریڈ سزا کا پورا کر کے جب دوزخ سے نکالنے کا وقت آئے گا تو اللہ پاک فرمائے گا جبرائیل امین کو, جبرائیل جاؤ ان کو محمد کا نام سکھاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جبرائیل امین آ کے انہیں حضور علیہ السلام کا نام سکھائیں گے, ان کو یاد آ جائے گا. جب آقا علیہ السلام کا نام یاد آ جائے گا تو وہ پکاریں گے محمد محمد محمد. جب حضور کا اسم پاک پکاریں گے فرشتوں کو حکم دے گا باری تعالیٰ میرے محبوب کا نام جپ رہے ہیں, ان سب کو اس نام کے صدقے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دے. اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوئیں, جو حضور کا نام بھول گیا دوزخ میں گیا, اور جس نے حضور کا نام جپا دوزخ سے نکل کر جنت میں گیا. تو آقا علیہ السلام کو بھولنا دوزخ کا باعث, اسم پاک کو بھولنا دوزخ کا باعث, اور آقا کے اسم پاک کو جپنا جنت کا باعث. یہ نسبت ہے آقا علیہ السلام سے جس کی محبت, جس کا تعلق جتنا بڑھتا جائے گا اس قدر وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ ہوتا چلا جائے گا. یہ تو ہے اس کی بات جو مومن تھا نام بھول گیا, یاد آیا اس پر دونوں احکام آ گئے. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اور آپ کی ولادت اور میلاد کی خوشی, یہ تو اتنا بڑا عمل ہے کہ کافر نے بھی اگر وہ خوشی کر لی تو وہ بھی محروم سعادت نہیں رہا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی, باندھی تھی, خادمہ, اس کا نام تھا سویبہ. ابو لہب نے سویبہ کو بھیجا کہ جاؤ حضرت آمنہ کے گھر, بچہ ہونے والا ہے, تولد کا وقت ہے, تو جا کے خدمت کرو. سویبہ جو باندھی تھی خدمت کی, آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی, وہ دوڑ کے آئی, اس نے ابو لہب کو خوشخبری دی کہ اللہ نے تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا کیا, تمہارا بھتیجا, رشتے میں تمہارا بھتیجا محمد پیدا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, رشتے میں بھتیجے بنے. اس نے خوش ہو کر کہ ہمارے خاندان میں بیٹا پیدا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو آقا علیہ السلام نے ابھی تو اعلان نبوت نہیں کیا تھا نا, تو اس نے ان دو انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہا سویبہ جا, حضور کی بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں تجھے آزاد کر دیا. اب صحیح بخاری کتاب النکاح میں حدیث آتی, ابو لہب وہ شخص ہے کہ عمر بھر ایمان نہیں لایا, کافر رہا, مشرک رہا, دشمن اسلام رہا, اور اس کی مذمت میں پوری قرآن مجید کی آیت اور سورت اتری, تبت یدا ابی لہب وتب, ایک پوری سورت اس کی مذمت میں اتری. اتنا مذموم شخص تھا, وہ مر گیا. مرنے کے ایک سال بعد حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا کو خواب میں ملا. آپ نے پوچھا, حضرت عباس نے ابو لہب بتاؤ مرنے کے بعد تم پر کیا بیتی, یہ صحیح بخاری میں. اس نے کہا میرے نیچے بھی آگ, اوپر بھی آگ, دائیں بھی آگ, بائیں بھی آگ, آگے بھی آگ, پیچھے بھی آگ, دوزخ کی آگ میں ہمہ وقت جلتا رہتا ہوں. کافر تھا, مشرک تھا, دشمن اسلام تھا, قرآن مجید کی سورت اس کی مذمت میں اتری تھی. اس نے کہا ہر لمحہ دوزخ کی آگ میں جلتا ہوں, سات دن بعد جب پیر کا دن آتا ہے سوموار کا دن, تو دوزخ کی آگ میں تخفیف یعنی کمی کر دی جاتی ہے, عذاب کم کر دیا جاتا ہے, اور میری ان دو انگلیوں سے ٹھنڈا پانی رستا ہے چشمے کی طرح, وہ چوستا ہوں, پیاس بجھاتا ہوں اور دوزخ کی آگ سے نجات پاتا ہوں. ہر پیر کو عذاب اٹھایا جاتا ہے
और ठंडा पानी पिलाया जाता है। ये क्यों होता है? उसने कहा इसलिए इंदमा बशरतनी बेविला, मैंने आजाद कर दिया था ले आता का, उसको आजाद कर दिया था स्वेबा को, इंदमा बशरतनी बेविलादत नबी, जिस वक्त उसने मेरे भतीजे मोहम्मद मुस्तफा की विलादत की खबर सुनाई थी, तो मैंने विलादत मुस्तफा की खुशी में इन दो उंगलियों को इशारा करके उसको आजाद किया था। वो जो काफिर और मुशरिक रहा, उसने विलादत मोहम्मद की खुशी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी में उसको आजाद किया। रब ने काफिर का अमल भी जो हुजूर के मिलाद की खुशी में हुआ उसको कबूल कर लिया, और पीर के दिन उसका अजाब भी कम कर दिया जाता है। और मुसलमान उम्मत जो हुजूर अलैहिस्सलाम को अपना नबी और खुदा का महबूब समझकर हुजूर की विलादत की खुशियां मनाएगी, फल यफरहू, आका की विलादत अल्लाह का फजल है, आका की विलादत अल्लाह की रहमत है, और इस रहमत उज़्मा और फजल अजीम की आमद पर जो उम्मत हुजूर के मिलाद की खुशियां मनाएगी उस पर दोजख की आग का असर क्या होगा और रब की रहमतों की बारिश का आलम क्या होगा। ये हुजूर के मिलाद पाक की खुशियां मनाने का अज्र है पीर को, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की विलादत पीर के दिन हुई तो पीर को अल्लाह पाक ने खास कर लिया, विलादत भी पीर को हुई। क्या फिर बेसत यानी ऐलान नबुव्वत पहली वही का नुजूल वो भी पीर को हुआ, मदीना पाक की हिजरत भी पीर को हुई, और कई दिन कुबा में क्याम के बाद मदीना में दाखला भी पीर को हुआ, विसाल भी पीर को हुआ। तो अल्लाह पाक ने हर बड़े काम के लिए पीर को मुंतखब कर लिया, जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए जुमा मुंतखब किया था। क्या आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश तखलीक जुमा को हुई, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में आपको जुमा के दिन ठहराया गया, आपकी तौबा जुमा के दिन कबूल हुई, विसाल जुमा के दिन हुआ। आदम अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के हर अहम काम के लिए यौम जुमा चुना। अब सोचने की बात है, एक दिन जिसको हजरत आदम से निस्बत मिली वो उम्मत मुहम्मदी के लिए यौम ईद है, और वो दिन पीर का सोमवार जिसको मुस्तफा से निस्बत हुई, वो मुस्तफा जिनके तवस्सुल से हजरत आदम की तौबा कबूल हुई थी, जिनकी पेशानी में मुस्तफा का नूर रखा गया था, जिन्होंने पैदाइश पर अर्श मुअल्ला को देखा तो अर्श मुअल्ला के चौपाओं पे मुस्तफा का नाम खुदा के नाम के साथ दर्ज था, जिन्होंने जन्नत के दरख्तों के पत्ते पत्ते पर मुस्तफा का नाम पढ़ा था और खुदा के साथ मुस्तफा का नाम पढ़कर अल्लाह के हुजूर वसीला देकर तौबा की थी, वो पैगंबर जिस दिन को उसके लिए खास किया वो उम्मत के लिए यौम ईद बने, और जो दिन विलादत मुस्तफा से लेकर वफात तक मुस्तफा के लिए खास हुआ वो हुजूर की विलादत का दिन यौम ईद न बने। कितनी अजीब बात होगी। तो आका अलैहिस्सलाम फिर ये साल के बाद जब हुजूर अलैहिस्सलाम का यौम मीलाद आता है तो चूंकि उम्मत के लिए मोमिन के लिए इससे बड़ी खुशी कायनात में और कोई नहीं, इसलिए सारी खुशियां इन खुशियों पर कुर्बान हो जाती, इन खुशियों पर कुर्बान हो जाती। फिर आप जुलूस निकालते हैं, फिर आप महफिल करते हैं, आप कुमकुमें लगाते हैं, सजाते हैं, खुशियों का एक समा बनाते हैं, खुशियों का एक समा बनाते हैं, सलातो सलाम करते हैं, खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर सलाम पढ़ते हैं, ये सब कुछ, इन सब चीज़ों की असल शरीयत में सुन्नत मुहम्मदी और हदीस पाक से और सहाबा कराम और हुजूर अलैहिस्सलाम के अपने अमल से साबित है। जब किसी खुशी का लम्हा याद करो तो उस लम्हे की कैफियतों को तारी करो अपने ऊपर, जब कोई गम का लम्हा याद करो तो गम की कैफियतें तारी करो,
میں خاص بات بتا رہا ہوں. حدیث پاک میں ہے, یہ بھی صحیح بخاری میں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ جب غزوہ تبوک کو تشریف لے گئے. کہاں؟ غزوہ تبوک, جنگ ہوئی تھی. غزوہ تبوک کے لیے گئے تو رستے میں وہ جگہ آئی, اللہ پاک نے وحی بھیجی اور آپ کو آگاہ فرمایا, وہ جگہ آئی جہاں وہ کنواں آیا جس کنویں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی, اور وہ گاؤں آ گیا کریا جس پر اس قوم نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا تھا. آقا علیہ السلام وہاں رکے, وہاں دو کنویں تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب لوگ اگر پانی پینا بھی ہو, یہ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں, اس سے بڑی سند پھر اور کیا ہو سکتی. فرمایا اگر پانی پینا ہو تب بھی اس کنویں سے پینا, یہ کنواں وہ ہے جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی. نسبتوں کا برک, نسبتوں کی برکت آقا علیہ السلام کی سنت سے. اس کنویں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی, اسی سے پانی پیو, اسی سے اپنے آٹے گوندھو. آقا علیہ السلام یہ جب فرمایا تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ آپ کے فرمانے سے پہلے پیاس لگی تھی تو لوگوں نے پانی بھی, وہ دوسرا کنواں ایک اور تھا اس سے پانی بھی پی لیا, آٹے بھی گوندھ لے اور برتنوں میں بھی وہ پانی لے لیا, ہمیں تو پتہ نہیں تھا. بخاری شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو پانی بھرے ہیں انڈیل کے پھینک دو, اور جو آٹے گوندھے ہیں اس پانی سے وہ بھی گرا دو, گرا دو, پھینک دو, یہ پانی پیو, اس کو سنبھالو اور اس سے آٹے گوندھو. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس کنویں سے پانی پیتی تھی. تو آپ نے دیکھا جس کنویں سے, اب اس اونٹنی کو یعنی صالح علیہ السلام نے بھی پانی نہیں پیا, اس کنویں سے صالح علیہ السلام نے پانی نہیں پیا. آپ دیکھیے کہ آقا کی سنت کیا ہے. ہم سنت سنت کا شور تو مچاتے ہیں مگر نہ اس سنت کو کبھی پڑھا ہے نہ سمجھا ہے. یہ بخاری سنا رہا ہوں, صحیح بخاری, مگر بخاری سمجھنے کے لیے بھی عشق نبی چاہیے. بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو, بخاری نہیں آتی. بخاری سمجھنے کے لیے عشق نبی چاہیے. یہ بخاری پڑھا رہا ہوں, اس کنویں سے صالح علیہ السلام نے پانی, بولیے, نہیں پیا, ان کی اونٹنی نے پانی پیا ہے. اور ہزار ہا سال گزر گئے ہیں اونٹنی کو پانی پیے, پتہ نہیں نکلتے 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 پانی ہزاروں سالوں میں کتنا بدل گیا ہوگا. کیا اسی اونٹنی کا پیا ہوا بچا ہوا پانی پڑا تھا؟ کئی ہزار سال کے بعد وہی بچا ہوا پانی پڑا تھا. جی ہزار ہا سال گزر گئے, دوسرے کنویں کا بھرا ہوا پانی گروا دیا, گوندا ہوا آٹا گروا دیا آقا علیہ السلام نے. اور اونٹنی نے جس کنویں سے پانی پیا, اونٹنی پیغمبر کی تھی, اس پیغمبر سے نسبت تھی اونٹنی کو, اونٹنی سے نسبت تھی اس کنویں کے پانی کو. ہزار سال گزر گئے, اس پانی کا ادب اور اس کی برکت آج بھی قائم ہے. پھر آگے گئے, یہ تو نسبت کی برکت تھی, ایک ہی حدیث ہے. آگے گئے تو وہ آ گیا گاؤں جس گاؤں میں پھر اونٹنی کو شہید کرنے کے بعد عذاب آیا تھا اس قوم پر. آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو, اس قوم پر عذاب آیا تھا, اب یہاں سے جلدی سے تیزی سے گزر جانا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اس گاؤں سے گزرو تو روتے ہوئے گزرنا. یہ صحیح بخاری ہے, روتے ہوئے گزرنا. کتاب الانبیاء, صحیح بخاری, کتاب الانبیاء, روتے ہوئے گزرنا. صحابہ کرام میں سے بعض نے پوچھا یا رسول اللہ جس کو رونا نہ آئے, جس کو رونا نہ آئے تو پھر کیسے روئیں؟ فرمایا جس کو رونا, جن کو رونا آ جائے غنیمت ہے, جسے نہ آئے وہ جان بوجھ کر رونے کی حالت طاری کر لے, رونے کی آواز ہی نکالتا رہے اور ایک کیفیت طاری کر لے اور کیفیت بنا کر روتا ہوا گزر جائے. تو آپ نے دیکھا نا کہ ایک
عذاب اترا تھا, ایک خوف کی غم کی بات تھی. تو آقا علیہ السلام نے ہزار ہا سال گزر گئے ہیں, وہ کیفیت صحابہ پہ طاری کروا رہے ہیں. اب عذاب اتر رہا تھا اس وقت, اور آقا علیہ السلام نے خود کیا کیا سنیے. جب وہاں سے خود گزرے, آپ نے چادر لے کے اپنے سر انور کے اوپر ڈال دی, سر مبارک جھکا کے تیزی سے دوڑ کے گزر گئے, اور صحابہ کرام کو بھی کہا تیزی سے گزر جاؤ سر جھکا کے, روتے اورتے ہوئے گزر گئے. اب عذاب کو گزر گئے ہوئے کئی ہزار سال ہو گئے, نہ اب عذاب ہو رہا ہے, اور اگر ہو بھی رہا ہو تو چونکہ حضور ساتھ تھے ہوتا عذاب بھی اٹھ جاتا, ہوتا ہوا عذاب بھی اٹھ جاتا. اللہ پاک نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, میرے محبوب اللہ کی شان نہیں کہ جن میں آپ ہوں وہاں عذاب اترے. اگر عذاب ہو بھی رہا ہوتا تو چونکہ ان کے جرمٹ میں مصطفیٰ تھے تو اللہ کا حکم ہے قرآن میں عذاب پھر بھی اٹھا لیا جاتا, تو عذاب تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. باوجود اس کے روتے ہوئے گزارا, سر پہ چادر ڈال کے گزرے اور تیزی سے گزرے. مقصد کیا تھا؟ ہزار ہا سال پہلے عذاب آیا تھا, غم و اندوہ کی ایک بات تھی, آقا علیہ السلام نے اس نسبت سے اس کیفیت کو طاری کر لیا صحابہ کرام پر. یہ سنت مصطفیٰ ہے. یہ 1400 سال ہیں, آقا کی ولادت ہوئی, خوشی کی رات تھی, وہاں ہزار ہا سال گزر جانے کے باوجود مصطفیٰ نے وہ کیفیت تازہ کروا دی, اور 1400 سال گزرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی. ہم قیامت تک جب میلاد کا مہینہ آئے خوشیوں کی کیفیت تازہ کر کے پھر کیوں چل پڑا ہے؟ سنت نبی ہے, سنت مصطفیٰ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام حج پر گئے اور وہاں ایک وادی آتی, آج بھی حاجی لوگوں میں سے بات جانتے ہیں وادی یہ محج جہاں پتھروں کی بارش ہوئی تھی, اور کنکریاں یہ جو اصحاب فیل پر جہاں کنکریاں پتھر برسائے گئے تھے, اصحاب فیل ابرا نے جب حملہ کیا تو اس کے لشکر کو مارا گیا تھا, وہ وادی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ آقا کی ولادت سے پہلے ابرہ آیا تھا, حملہ آور ہوا تھا, ابابیر آئے تھے, پتھر گرائے گئے تھے, مارے گئے تھے. وقت گزر گیا, اب آقا علیہ السلام حج پر گئے, صحابہ کو کہا کہ تیزی سے دوڑ کے گزر جاؤ. بتائیے کوئی ابرہ کھڑا تھا یہاں؟ ابابیر آئے کھڑے تھے, کوئی پتھر گر رہے تھے, کیوں تیزی سے دوڑا کے گزارا؟ صحیح مسلم ہے. وہ جو پرانا ایک واقعہ ہوا, آقا علیہ السلام نے مدت گزر جانے کے باوجود اس کیفیت کو, اس تخیل کو, اس تصور کو دل و دماغ پر طاری کر کے اس کیفیت میں گزرنے کا حکم دیا. آپ بات کو سمجھیں, یہ سنت ہے, اس کیفیت کو طاری کریں اور پھر اس کے ساتھ اس لمحے کو گزاریں. پھر آپ حج میں آ گئے, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا اذن فی الناس بالحج, اذن فی الناس بالحج, اے ابراہیم لوگوں کو پہاڑ پر کھڑا ہو کے اللہ کے گھر کی طرف بلا, آواز دے. ابراہیم علیہ السلام نے بلایا آؤ لوگوں اللہ کے گھر کے لیے آؤ, طواف اور حج کے لیے آواز دی تھی. جن روحوں کے نصیب میں تھا انہوں نے لبیک کہا. اب ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 3500 سال پہلے, 4000 سال پہلے, کتنا؟ 4000 سال پہلے آواز دی تھی. آپ اب حج کرنے جاتے ہیں تو جو ہی احرام باندھتے ہیں تو شروع کر دیتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں, آواز دی تھی 4000 سال پہلے, جواب اب آپ آج دے رہے ہیں. آپ کو سنائی دیتی ہے ابراہیم کی آواز؟ یہ قرآن ہے اور حدیث ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کا جواب دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک. تو 4000 سال گزر گئے, آج تک انسنی آواز کا جواب دیتے پھرتے ہیں.
क्या अनसुनी आवाज का जवाब देते फिरते हैं। आप रुक जाएं, कहें कि किसको जवाब दें, हमें आपको आवाज सुनाई दे रही है, फिर देख लें हज होता है या नहीं होता। हज कर लिया, उसके बाद फरमाया आ जाओ सफा मरवा की तरफ। जब सफा मरवा पहुंचते हैं तो वहां दो सब्ज रंग वाले सुतून हैं सफा मरवा के दरमियान, 7 चक्कर लगाते हैं। तो फरमाते हैं यहां से दौड़ पड़ो, यहां से, बुजुर्ग है, बीमार है, औरत भी तेज चले, मर्द है, आलिम है, पीर है, शेख है, जो भी है, यहां दौड़ के गुजरे। क्यों दौड़े? यहां हजरत हाजरा दौड़ी थी, बारी ताला वो तो हजरत इस्माइल के लिए पानी की तलाश में दौड़ी थी, वो पहाड़ी पर थे, एड़ी रगड़ रहे थे, पानी की तलाश थी, ये जगह गहरी थी, वादी थी, तो तेजी से दौड़ के गुजरी ताकि इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखती भी रहें और पानी तलाश भी करती रहें। वो तो हजरत इस्माइल को देखने के लिए दौड़ी थी। अब इस बात को 4000 साल गुजर गए, कभी दौड़ाना बंद भी करेगा हमारा? हम किसको देख रहे हैं? कौन पानी मांग रहा है? कौन एड़ियां रगड़ रहा है? कौन से पहाड़ और वादियां हैं? हम क्या, हमें, हम पर क्या पड़ी कि हम दौड़े? फरमाया न दौड़ो, घर चले जाओ, हाजी नहीं होगा, मौज करो। अब पूछ लिए कोई रेशनेल है, कोई अकली इस्तदलील है दौड़ने की, कोई रीजन नहीं। फकत 4000 साल गुजर गए, अल्लाह की महबूब बंदी एक पैगंबर की खातिर दौड़ी, अब जब सफा मरवा की सही का वक्त आए उसी कैफियत में गुजरो, उसी कैफियत में गुजरो, तो गोया खुशी की कैफियत हो, इस्तिराब की कैफियत हो, खौफ व हिरास की कैफियत हो, गमो अंदोह की कैफियत हो, जब अल्लाह के महबूबों की याद हो उसी कैफियत को याद करके, तारी करके, उसी तौर और समा के साथ अपने अमल करना, ये सुन्नत अंबिया है। फिर आप मीना में जा पहुंचे और फरमाया 3 दिन रुककर रोजाना कंकरियां उठाओ और शैतानों को मारो। सारे मार आते हैं, बारी ताला ये तो सतून है पत्थर के, न ये शैतान है गरीब, न हम इस्माइल हैं, न इन्होंने हमें रोका है, हम इनको क्यों मारें? तो अल्लाह पाक फरमाता है मुझे भी मालूम है ये तो पत्थर के, तुम्हारे हाथों के बनाए हुए सतून है, शैतान नहीं है, न इन्होंने तुम्हें कुर्बानी से रोका है, न तुम इस्माइल हो, मगर मारो। 4000 साल गुजर गए, 4 लाख साल भी गुजर जाएं तो हज नहीं होगा जब तक इनको कंकरियां नहीं मारोगे। जब वहां जाएं बस वो कैफियत तारी कर लो, उस याद को आंखों के सामने ले आओ, हैं तो सतून पर इन्हीं को शैतान समझो, हैं सतून पर इन्हीं को शैतान समझो, ये सारी कैफियत और तखय्युल अपने ऊपर तारी करके बस वही करो जो मेरे इस्माइल ने किया था, हज कबूल कर लूंगा। तो बारी ताला ये है क्या? उसने कहा अब तुम्हें क्या बताऊं, मैं, वो मुझे महबूब इतने प्यारे थे, मैं कयामत तक उनकी अदाओं को इबादत बना दिया, बस उन्हीं की अदाओं को दोहराते रहो, मैं तकता रहूं, तुम्हारा हज होता जाएगा। तो आपने देखा ना कि अपेरेंटली कोई रैशनेल, कोई लिंक नहीं है, मगर मुद्दतें भी गुजर जाएं तो इन चीजों को मनाया जाता है। तो कंकरियां मारना क्या है? ये सेलिब्रेशन है, हजरत इस्माइल के अमल का सेलिब्रेशन है। अब आप समझे, सफा मरवा की सही क्या है? ये सेलिब्रेशन है हजरत हाजरा के अमल का। आब जमजम का जाके पानी पीना क्या है? ये सेलिब्रेशन है उस पाक पानी का के पीने का। ये जो एहराम कपड़े उतार के फेंक दो, 2 चादरें लपेट लो, ये क्या है? ये सेलिब्रेशन है लिबास इब्राहिम का। ये कुर्बानी दो जाकर क्या है? ये सेलिब्रेशन है जिभे इब्राहिम की। ये सारा हज, ये सारे मनासिक, ये सारी नमाजें, ये सारी इबादात और बेशुमार आमाल सेलिब्रेशंस का नाम है। तो जब मनासिक हज और अल्लाह की इबादात भी सेलिब्रेशन है,
حضرت ایوب علیہ السلام کیا طویل بیماری کے بعد اٹھے شفا یاب ہوئے، تو چار رکعت نفل کی نیت کر کے نماز شروع کی، شکرانے کے نفل، طویل بیماری سے اٹھے تھے، بہت کمزور تھے، کمزوری کے باعث تین رکعتیں پڑی تھی، چوتھی کی سکت نہ رہی، سلام پھیر دیا، تین پڑھ سکے چوتھی نہ پڑھ سکے، مغرب کا وقت تھا، اب فرمایا قیامت تک امت محمدی جب مغرب کا وقت آئے تین رکعتیں پڑھو، یہ سیلیبریشن ہے ایوب کی نماز کا، یہ سیلیبریشن ہے نماز ایوب کا، ارے پانچوں نمازیں مختلف پیغمبروں کی اداؤں کا سیلیبریشن ہے، دین کے جتنے اعمال ہیں یہ کسی نہ کسی محبوب کی سیلیبریشن ہے، وہ جو سارا اسلام، وہ جو سارا حج، وہ سارے مناسک، وہ ساری عبادتیں، ساری نمازیں اللہ کے مختلف محبوبوں اور پیغمبروں کا سیلیبریشن کے ساتھ اسلام کا وجود بنا، اور سب کچھ جس کی خاطر ملا اس مصطفیٰ کے آنے کا دن ہو، تو اس کی سیلیبریشن نہ کی جائے، اس کو سیلیبریٹ نہ کی، کہتے ہیں سیلیبریشن تو نہیں ہے اسلام میں، کس جاہل نے یہ دین کی تعبیر گڑھ لی، اسلام سارا ہی سیلیبریشن ہے، اسلام بولیے سارا سیلیبریشن ہے، یہ سب کچھ سیلیبریٹ ہو رہا ہے، یہ کعبے کے آپ جا کے چکر لگا رہے ہیں، کیا ہے کوئی جو کسی سے پوچھے عقل سے بتاؤ، پتھروں کا بنا ہوا ہے گھر ہے، بھاگتے جاتے ہو چادریں پہن کے اس کے چکر لگانا شروع کر دیتے ہو، نہ اس میں کوئی نماز پڑھتے ہو، نہ رکوع نہ سجود، کچھ بھی نہیں، بس چکر لگاؤ، یہ حج ہو گیا، یہ کیوں؟ بس سیلیبریشن ہے، میرے ابراہیم نے ایسا کیا، میرے آدم نے ایسا کیا، میرا گھر بنایا، طواف سیلیبریشن ہے، کیا طواف سیلیبریشن ہے، پھر سارے پتھر نکال دیے کعبے سے، یہ شرک ہے، سارے پتھر کعبے سے نکال دیے، بت اور پتھر کے، یہ اسلام تمہار کعبے کا صحن اور تمہاری زندگیاں پتھروں سے پاک کرنے کے لیے آیا ہے، سارے پتھر نکال دیے، ایک پتھر کی باری آئی، کہا اس کو مت لے جانا، رہنے دو، وہ کون سا پتھر ہے؟ مقام ابراہیم، باری تعالیٰ ان پتھروں نے کیا بگاڑا تھا، وہ سارے اٹھا کے پھینک دیے، اس کو سنبھال لیا، کہا دیکھا نہیں اس پر ابراہیم کے قدم لگے ہیں، اس پتھر کو سیلیبریٹ کروانا ہے میں نے، اس کا سیلیبریشن ہوگا، تو اس پتھر کو کعبے کے سین میں گاڑ دیا، کہاں پہلے اس پتھروں کے بنے گھر کعبۃ اللہ عزت و شرف والا گھر بن گیا، پہلے اس کے چکر لگاؤ، چکر لگا کے ادھر آ جاؤ، میرے لیے دو نفل پڑھو، مگر نفل کے لیے کھڑے اس جگہ ہونا کہ ابراہیم کے قدموں والا پتھر تمہارے سامنے ہو، بقیہ پتھر پھینک دیے، اس پتھر کے سامنے کھڑا کر دیا، سجدہ کرو، وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، چونکہ ابراہیم کھڑے ہوئے تھے، اب اسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے قیامت تک، فرق سمجھ رہے ہیں نا بات کا، نسبت کا، یہ جو آپ گھر میں پتھر لگاتے ہیں، دیواریں بناتے ہیں پتھر سے، جی صحن بناتے ہیں، تو پتھر دیواروں میں بھی لگتا ہے، پتھر صحن میں بھی لگتا ہے، پتھر باتھ روم میں بھی لگتا ہے، ٹوائلٹ میں بھی لگتا ہے، ہر جگہ لگتا ہے، تو یہ بھی پتھر ہے، یہ بھی بولیے نا، یہ بھی پتھر ہے، اور یہ انگوٹھی میں ایک لگا ہوا ہے، اب فرق بتا رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ برفی ہے، کیا ہے؟ جلیبی ہے، پھول ہے، بولیے نا، یہ بھی پتھر ہے، اس کا نام ہے عقیق، یہ بھی پتھر ہے، جو ٹوائلٹ میں لگا وہ بھی پتھر ہے، جو ہاتھ کی انگلی پہ سجا وہ بھی پتھر ہے، اور پھر یاقوت بھی پتھر ہے، زمرد بھی پتھر ہے، لال بھی پتھر ہے، ہیرا بھی پتھر ہے، جو بادشاہ اور ملکہ کے تاج میں سجا وہ بھی پتھر ہے، جو پاؤں کے نیچے آتا ہے ٹوائلٹ میں وہ بھی پتھر ہے، جو بادشاہوں کے تاج پہ سجتا ہے
वो भी पत्थर है, और जो काबातुल्लाह के हरम में लगा है वो भी पत्थर है, और जो काबे के दीवार पे लगा है वो भी पत्थर है। तो बोलिए हैं तो सारे पत्थर, पर क्या सब पत्थरों को एक जैसा जानोगे? एक जैसा जानोगे जी? वही पत्थर आपके घर में लग जाए तो उसकी दो टके की भी हैसियत नहीं है। वो पत्थर काबातुल्लाह के सेन में लग जाए तो आप वहां जाके चूमते फिरते हैं। कोई आपसे पूछे ये पत्थर आसमान से आए हैं, और फिर ये सारे पत्थर हैं, फिर वो भी पत्थर है जिस पे इब्राहिम का कदम लगा है, फिर वो भी पत्थर है जिसको हजर अस्वद कहते हैं, जिसको चूमने के लिए जाते हैं। तो हैं सब पत्थर, मगर जिस पत्थर को निस्बत मिल गई वो पत्थरों जैसा ना रहा। अरे पत्थर को पैगंबर से निस्बत हो जाए तो पत्थरों की सारी कायनात में वो पत्थर जुदा हो जाए, और जो पैगंबर अपनी निस्बत से पत्थरों को बेमिसाल करता है वो पैगंबर खुद किसी की मिसाल कैसे होता है? लिहाजा उस पैगंबर से जिस दिन की निस्बत हो गई वो दिन दिनों में बेमिसाल हुआ, उस पैगंबर से जिस रात को निस्बत हुई, जिस महीने को निस्बत हुई, वो शबो माहो माह में बेमिसाल हुआ। इसलिए जब आका की निस्बत नसीब होती है तो वो सारे अमल खुदा के यहां मबरूर इबादत बन जाते हैं, फिर वो सेलिब्रेट होते हैं, फिर वो सेलिब्रेट होते हैं। बुनियादी चीज अल्लाह पाक ने कदम कदम पे सिखाया। ये आपका नाम है मिसाल के तौर पे, ये ले लें दुर्याब यूसुफ हाशमी, ये बैठे, इनका नाम है दुर्याब। कौन कौन से हर्फ हैं? दाल रे ये अलिफ बे, ठीक है। आपका नाम है, हमारे पुराने फोटोग्राफर हैं पाकिस्तान फोटो वाले, क्या डिज्नी, डिज्नी वर्ल्ड, डिज्नी फोटोग्राफर। डाल दाल जे नून ये हर्फ हैं। बगदादी कायदा जिसमें आप आबाता बच्चों को पढ़ाते हैं, 28 हरूफ हैं, 27 28 हरूफ जो कायदे में, वही हर्फ हैं सारे। ये बात मैं बड़ी ख़ास बता रहा हूँ, अलिफ बे ते जीम ये सारे हर्फ वही 28 हैं। अब उन हर्फों से एक आप बना लें मुख्तलिफ जुमले, जुमले, और इन्हीं हर्फों से ज़ालिकल किताबु ला रैब फी बना है। अर्फ वही है, अलम नशरह लक सदरक, वही अलिफ वही लाम वही नून वही शीन वही रे वही है, वही हर्फ है ना। उन हर्फों से आपके लफ्ज बने तो पाँव के नीचे फिरते रहें परवाही कोई नहीं, और वही हर्फ जुमले बन के कुरान में लगे तो बगैर वुजू के छू भी नहीं सकते। बोलिए हर्फों में क्या फर्क आ गया? हर्फों में क्या फर्क आ गया? वो हर्फ तो वही आबाता थे, मगर आबाता आपने बना के लिखे तो परवाही कोई नहीं करता। जुबान मुस्तफा से कुरान बन के निकले तो बेवजू छू भी नहीं सकते, हैं वही हर्फ। तो हर्फों के जाहिरी वजूद में फर्क नहीं है, मगर फर्क फकत ये है, ये हर्फ आपका कलाम बन के निकले हैं, वो हर्फ खुदा का कलाम जुबान मुस्तफा से निकले हैं। हर्फ वही हैं मगर अब कलाम जुदा हो गया। तो जब निस्बत हो जाती है तो फिर उसकी पोजीशन स्टेटस कुछ और हो जाता है। तो आका अलैहिस्सलाम से जिस शय की निस्बत हो गई वो ईमान में दाखिल हो गया, वो ईमान में दाखिल हो गया। हम आका अलैहिस्सलाम के लिए सलाम पढ़ते हैं, मिलाद पाक में सलाम पढ़ा जाएगा, आप खड़े होते हैं खुशी से, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आका अलैहिस्सलाम जब किसी बात पे बहुत खुश होते क़याम खड़े हो जाते थे। आका अलैहिस्सलाम को जब खुशी होती, खास खुशी, तो आप खड़े हो जाते। सैयदा आलम आपकी शहजादी, सैयदा कायनात हजरत फातिमतु ज़हरा सलावातुल्लाह अलैहा, जब वो हाजिर होती आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में तो आपको मोहब्बत इतनी थी, जब शहजादी फातिमतु ज़हरा को देखते खुशी से खड़े हो जाते, खड़े हो जाते। हदीस पाक में, ये तो हजरत सैयदा कायनात का मामला है,
اب آگے چلے میں آپ کو ایک ایک واقعہ بتاتا ہوں. اکرمہ جب فتح مکہ ہوا تو وہ بھاگ گیا تھا, بھاگ کے شاید یمن چلا گیا تھا, اکرمہ اسلام قبول نہیں کیا. پھر بعد میں اس کی بیوی نے اس کو کسی طریقے سے بلوایا اور سمجھا بجھا کے اسے اسلام کے لیے آمادہ کیا, اس نے اسلام قبول کیا. جب اکرمہ کی بیوی اسے اسلام قبول کروا کے مسلمان کر کے حضور کی بارگاہ میں آئی اور خبر پہنچائی آقا اس نے اسلام قبول کر لیا ہے, خبر سن کے حضور اتنے خوش ہوئے کہ خوشی میں کھڑے ہو گئے. حدیث پاک میں ہے اس کے اسلام قبول کرنے کی خبر سے اتنے خوش ہوئے کہ کھڑے ہو گئے. تو حضور کی سنت یہ ہے کہ جس بات پہ خوشی ہوتی قیام کرتے. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام بیٹھے تشریف فرما تھے, کچھ بچے اور بچیاں کسی شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے, اچھے اچھے لباس پہنے ہوئے تھے, بچے بچیاں تھے, شادی کی تقریب سے پلٹے. آقا علیہ السلام نے ان کو دیکھا, بڑے اچھے لگے, تو اچھے لگے خوش ہوئے ان کو دیکھ کر, تو حدیث پاک میں خوش ہو کر حضور کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے اللہم, اللہ کا نام لیا اور کہا کہ انتم من احب الناس الیہ, میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, اور محبت اور خوشی کے باعث میں کھڑا ہو گیا ہوں. تو آقا علیہ السلام کی مستقل سنت تھی وہ بچوں اور بچیوں کے لیے, جو اچھے لباس پہن کے شادی سے آ رہے تھے انہیں دیکھ کے خوش ہوئے تو کھڑے ہو گئے. اکرمہ کو اسلام قبول کرتے خبر سنی خوش ہوئے تو کھڑے ہو گئے, سیدہ کائنات کو دیکھتے خوش ہوتے کھڑے ہو جاتے. تو آقا علیہ السلام کی سنت تھی جس شے سے محبت ہوتی جس پر خوش ہوتے کھڑے ہو جاتے. تو آقا نے ایک سنت قائم کر دی کہ جس پر خوشی ہو کھڑے ہونا میری سنت ہے. مسلمانوں کو لاکھ خوشیاں ہوں گی مگر خدا کی عزت کی قسم جب میلاد کا مہینہ آتا ہے, حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے, حضرت آمنہ کی جھولی میں آقا کی آمد کا ذکر ہوتا ہے اور میلاد پڑھا جاتا ہے, تو حضور کی ولادت کا ذکر سن کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا جب خوشی ہو تو کھڑے ہو جایا کرو. جب میلاد کا ذکر ہوتا ہے تو خوشی میں مومن کھڑے ہو کر سلام پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو حضور کی خوشی میں کھڑے ہونا, میلاد کا ذکر سن کر کھڑے ہونا, یہ خوشی میں کھڑا ہونا ہے اور یہ سنت مصطفیٰ ہے, یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ ساری خوشیاں جو بات بتانے کی ہے, چونکہ ساری خوشیوں کو نسبت حضور کی حاصل ہے. فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, کھانا تو ہر کوئی کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے, مگر اگر اللہ کی محبت میں کھانا کھلایا جائے محبت میں تو فرمایا اس کا درجہ کچھ اور ہو جاتا ہے, اس کا درجہ. تو کھانا محبت میں اللہ کی محبت میں کھلایا تو اس کا درجہ کچھ اور ہو گیا. تو لنگر کھانے پکتے رہتے ہیں مگر اگر حضور کی محبت میں پکایا کھلایا تو درجہ کچھ اور ہو جاتا ہے, نسبت حضور سے ہو گئی. کپڑے تو آپ بدلتے ہی رہتے ہیں مگر حضور کے میلاد کی خوشی میں اچھے کپڑے پہنے تو ان کپڑوں کا پہنا عبادت ہو گیا. خوشیاں مناتے رہتے ہیں مگر حضور کی ولادت کی خوشی میں جشن منائے تو درجہ کچھ اور ہو گیا. لہذا جتنے اعمال مسرت, جتنا اطعام, جتنا صدقہ, جتنا خیرات, جتنا لنگر, جتنا نیک غریبوں پہ خرچ کرنا, جتنے کمکمے, جتنی روشنیاں, جتنی لائٹنگ, جتنے جلسے, جتنے جلوس, ارے پاکستان کے قیام کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, باڑ میں جائیں وہ خوشیاں کہ مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی نہ ہو اور خوشیوں پہ آپ جیتے پھریں, مر نہ جائیں آپ خوشی کرنے والے. سب خوشیاں حضور کی خوشی کے صدقے میں ہیں اور سب نعمتیں حضور کی ولادت کے صدقے میں ہیں. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشیوں کو منائیں پورے حلقے میں. یہ جو 127 حلقہ بھی ہے ہمارا, اس میں دھوم مچا دیں ولادت مصطفیٰ کی. اپنے گھروں کو کمکموں سے روشن کریں, لائٹنگ کریں 12 دن, مشل بردار جلوس علاقوں میں نکالیں ہر شام 12 راتیں, 12 راتیں
लंगर पकाएं, खाने गरीबों में तकसीम करें, खुशियां मनाएं, महाफिल करें, सलात व सलाम की महफिलें करें। ये जो अमल आका अलैहिस्सलाम की खुशी में करेंगे अल्लाह के यहां सब आमाल और इबादात से ज्यादा कबूल और बायस अजर होगा और अल्लाह की रजा का बायस होगा, क्योंकि इन तमाम तर आमाल मुसर्रत यानी खुशियों के आमाल की निस्बत आका अलैहिस्सलाम की तरफ होगी और अल्लाह इस पर खुश होगा। आप हुजूर की विलादत पे खुश होंगे, अल्लाह आपसे खुश होगा। ये एक साइकिल है, ये पैगाम है मिलाद मुस्तफ़ा की खुशी का, और आका अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशियां मनाएं और हुजूर के मिलाद के सदके आपके मिशन को, आपके दीन को, आपके लाए हुए इनकलाब को, गरीब इंसानियत को उठाने के लिए आपके लाए हुए पैगाम को अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाएं, मुस्तफ़ा का मिलाद मनाएं और मुस्तफ़ा के इनकलाब को निज़ाम ज़िंदगी के तौर पे अपनाएं, स्ट्रगल करें, खड़े हो जाएं इनकलाब के लिए। अपने ईमान, अपने सीने, अपने दिल हुजूर की मोहब्बत से रोशन करें और अपनी और अपने मुआशरे की ज़िंदगियां मुस्तफ़ावी इनकलाब और इनकलाब मुस्तफ़ा के साथ रोशन करें, ताकि मुल्क का, कौम का, उम्मत का मुकद्दर बदल सके। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पे करम फरमाए और दुनिया और आखिरत में हुजूर अलैहिस्सलाम की इस मोहब्बत और मीलाद पाक की खुशी के सदके हमें उखरवी दुनियावी नेमतों के साथ मालामाल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।